नमस्कार, अब हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक में बात करेंगे, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में। हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्यों होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मेन कॉजेटिव एजेंट एच पायलोरी है। इसके अलावा यह ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा एच पायलोरी गैस्ट्राइटिस को समझने का, उसके बाद हम ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस को समझेंगे। एच पायलोरी जो कि मेनली ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है, इसके तमाम ऐसे फीचर्स जो हम देखते हैं एब्डोमिनल पेन के रूप में, बर्निंग सेंसेशन के रूप में, पेन जब एम्प्टी स्टमक होता है तो उसमें ज्यादा होता है, नाइट टाइम में इसके इन्फेक्टेड पर्सन्स को पेन ज्यादा होता है, एपेटाइट कम हो जाती है, वेट लॉस, हार्ट बर्न, इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड इन स्टूल, ये सारे फीचर्स के साथ इसके पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं एच पायलोरी की वजह से होने वाली गैस्ट्राइटिस इतनी इस हद तक कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये एच पायलोरी केवल ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, उसमें ही इसके इन्फेक्शन देखे गए हैं। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इन्वॉल्व करती है और अपने टॉक्सिन्स रिलीज करके इसके तमाम जितने भी इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े वो इसके टॉक्सिन्स की वजह से डेवलप होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो भी गैस्ट्रिक एपिथेलियम या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इन्वॉल्व करके ये डैमेज करती है, इसको डैमेज करने के लिए वायरुलेंस फैक्टर कौन से होते हैं। इसके वायरुलेंस फैक्टर्स में फ्लैजिला, यूरिएज एंजाइम, इसके द्वारा रिलीज किए जाने वाले टॉक्सिन्स, इसके द्वारा रिलीज किए जाने वाला एडहेसिन्स खास है। यूरिएज तो इतना खास है कि ये इसको एसिडिक एनवायरमेंट में जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करता है। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण ये स्टमक के एसिडिक एनवायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। जब ये सरवाइव करेगा तो टॉक्सिन्स रिलीज करता है और इस दौरान ये खुद को स्टमक की म्यूकोसा से चिपकने के लिए एडहेशंस रिलीज करता है। ये सभी वायरुलेंस फैक्टर उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं और इसी वजह से ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसका एक और वेरिएंट पॉसिबल है हेलिकोबैक्टर हेलमेनाई, जो कि जब इसका इन्फेक्शन होता है तो सीधा सा मतलब होता है कि ये ह्यूमन को अगर इन्फेक्शन हुआ तो आसपास के डोमेस्टिक पेट्स को भी इसका इन्फेक्शन हुआ होगा, या फिर अगर डोमेस्टिक पेट्स को इसका इन्फेक्शन है तो ह्यूमन बींग्स को भी इससे इन्फेक्ट या इसका इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हेलिकोबैक्टर हेलमेनाई का इन्फेक्शन हो तो न सिर्फ ह्यूमन बींग को बल्कि डोमेस्टिक पेट्स को भी ट्रीट किया जाना चाहिए, या इसका वाइस वर्सा भी आप सोच सकते हैं। इस दौरान पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं उसको भी समझना जरूरी है। यह मेनली एंट्रम के पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है और यहां पर एंट्रल गैस्ट्राइटिस कराता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये म्यूकोसा को इन्वॉल्व करेगा, इसलिए सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, और उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर्स यहां डेवलप करेगा। तो सुपरफिशियल गैस्ट्रिक अल्सरेशन, क्योंकि ये म्यूकोसा के लेयर से जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, और वहीं पर इसके कारण सुपरफिशियल गैस्ट्रिक अल्सरेशन होना शुरू हो जाता है। यह जो ब्रश बॉर्डर्स होते हैं वहां पर, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ब्रश बॉर्डर्स होती हैं वहां पर खास तौर पर इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। तो इसका प्रेजेंस ब्रश बॉर्डर पर होता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं एच पायलोरी के इन्फेक्शन को, एच पायलोरी का इन्फेक्शन होने पर किस तरीके से ये इन्वॉल्व करता होगा। यहां एच पायलोरी सबसे पहले एपिथेलियल
जो सेल्स होती हैं उसको इन्वॉल्व करता है, उसके ब्रश बॉर्डर के हिस्से में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करने के बाद ये डीपली इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे पहले सुपरफिशियल गैस्ट्रिक अल्सरेशन होगा और धीरे धीरे करके इसके इफेक्ट्स डीपली देखने को मिलते हैं और लास्ट में गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो जाता है। अगर इसके प्रॉब्लम को सॉल्व न किया जाए तो ये रिस्क फैक्टर होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का, गैस्ट्रिक लिम्फोमा का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके इन्वॉल्व होने पर क्या क्या हमारी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ये मेनली मैंने आपको बताया ना, एंट्रम के पार्ट को इन्वॉल्व करता है, इससे बॉडी और फंडस के पार्ट आमतौर पर अफेक्ट नहीं होते हैं। यह सुपरफिशियल गैस्ट्रिक अल्सरेशन करा सकता है। इसकी वजह से जब इन्फेक्शन होता है तो ये एपिथेलियल सेल्स के ब्रश बॉर्डर के हिस्से में हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं और डीपली ये इन्वॉल्व होते होते ये गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसे ट्रीट न किया जाए तो ये रिस्क फैक्टर हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के और गैस्ट्रिक लिम्फोमा के। तो इस वजह से हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का कॉज है वो है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस या एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। यहां पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एच पायलोरी और ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के बीच में डिफरेंस को। तो यहां जब हम एच पायलोरी की वजह से होने वाले गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं तो इसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत कम होते हैं और ये सीधे तौर पर एंट्रम के साइट को इन्वॉल्व करता है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस इसीलिए इसे कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, एंट्रम के पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होगा और इसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया ही बाद में कैंसर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ब्लूइश जोन आप देख सकते हैं, ये एच पायलोरी की इन्फेक्शन की वजह से इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है जो कि आगे चल करके गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए इसको प्रोन बना देता है। यहां इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया की बात मैंने आपको बताया, बायोप्सी जब भी हम लेते हैं एच पायलोरी के इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए तो हम एंट्रम के साइट से करते हैं। इससे अलग जब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की, तो ऑटो इम्यून या फिर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में एंट्रम पूरी तरह नॉर्मल होता है। यहां जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है वो बॉडी और फंडस के पार्ट में होता है। यहां पर देखिए, बॉडी और फंडस के पार्ट में एट्रोफी हो जाती है। इसका दोनों के बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ये हुआ क्यों? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से एंटीबॉडीज बनी। एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनी? ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल्स के खिलाफ, चीफ सेल्स के खिलाफ बनी। इसके कारण इनके जो सिक्रीशंस हैं, जो भी ये रिलीज करते हैं, उसका कंटेंट कम हो जाता है। ऑटो इम्यून या एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस को समझने से पहले हमें उसके लिंक को भी समझना होगा एच पायलोरी के साथ क्या लिंक हो सकता है। हालांकि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एच पायलोरी के इन्फेक्शन के आउटकम्स को देख लें। मैंने आपको बताया था ना, ये लिम्फोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा कॉज कर सकता है। ये अगर ट्रीट न किया जाए तो लगभग 100% लोगों में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के रूप में इसके इन्फेक्शन का आउटकम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के रूप में देखा जाता है। ये मेनली एंट्रम के पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है, ये समझ लें। कुछ लोगों में गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाती है और लगभग ऐसा ही चेंजेस हम ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में देखते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में जो एट्रोफी होती है वो बेसिकली गैस्ट्रिक या पेराइटल सेल्स के खिलाफ, चीफ सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने की वजह से होती है। तो उसको अभी हमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं एच पायलोरी के आउटकम्स को यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों में गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है और यह
ड्यूडिनल अल्सर भी करा सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर अपने लेवल पर कम होता है, ड्यूडिनल अल्सर होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर के मामले, ड्यूडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक एट्रोफी, ये सारी चीजें इसके साथ एच पायलोरी के इन्फेक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का एक कारण एच पायलोरी के इन्फेक्शन को माना गया है। इसे ट्रीट न किया जाए तो ये गैस्ट्रिक लिम्फोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए ऐसे पेशेंट्स अधिक प्रोन होते हैं। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया, एच पायलोरी के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, लेकिन वो मल्टीफोकल होता है, उसके फोकस बहुत सारे होते हैं। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जो भी होगा वो बहुत सारे लेवल पर हो सकता है, क्योंकि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का आउटकम, जब ये सेल्स डैमेज हो जाएंगे एच पायलोरी के इन्फेक्शन की वजह से, तो यहां पर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है। जबकि ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो कार्पस और फंडस के पार्ट पर होता है, उस हिस्से में केवल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होगा, और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी आमतौर पर इसी रीजन में देखने को मिलेगा। तो एक बार हमें समझना होगा ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस का लिंक हम एच पायलोरी के इन्फेक्शन से भी जोड़ करके देख सकते हैं। एच पायलोरी का इन्फेक्शन होने की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन्वॉल्व होगी, यहां पर मैंने आपको बताया था ना, एपिथेलियल सेल्स को ये इन्वॉल्व करेगा, और धीरे धीरे करके यहां जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे, जो कि TH1 मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, जिसका आउटकम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के रूप में, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के रूप में, अल्सर के रूप में, कैंसर के रूप में, माल्ट लिम्फोमा के रूप में देखने को मिल सकता है। तो जिस एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका लिंक हम एच पायलोरी के साथ भी जोड़ करके समझ सकते हैं। और यहां पर मेजर जो रिस्पॉन्स होता है वो एंटीबॉडीज का होता है, जो अपने ही नॉर्मल ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल्स के खिलाफ रिस्पॉन्स पैदा करके उसे डैमेज कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनेंगे? अगेंस्ट ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल्स के खिलाफ। तो इसकी वजह से होगा क्या, HCL का अमाउंट घट जाएगा और पेराइटल सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स डैमेज होने से इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल का अमाउंट भी घटने लगेगा। अल्टीमेटली HCL की कमी, जिसे एक क्लोरहाइड्रिया कहते हैं या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहते हैं, उसके कारण बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमजोर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कैसे कमजोर होगा, क्योंकि HCL हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या इस तरीके के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, किसी भी बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होती है, HCL हमारे बॉडी का डिफेंस पार्ट है, इसलिए उसको समाप्त कर देता है। इसके अलावा हम जानते हैं HCL का सिक्रीशन कम होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी कम बनेंगे। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा। इसके कारण इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी विटामिन B12 की कमी करा देगी, जिसके कारण मेगालोब्लास्टिक चेंजेस होंगे। स्टमक के भीतर कौन कौन से सेल्स होते हैं हमें जानकारी है उनके बारे में। ऑक्सेंटिक को ही पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, जो HCL और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है। तो ये डैमेज होगा, इसके कारण HCL और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। इसी तरीके से एंटीबॉडीज पेप्टिक और चीफ सेल्स के अगेंस्ट बनेगा, जिसके कारण पेप्सिन का रिलीज होना कम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, डाइजेशन कम होगा अगर पेप्सिन कम रिलीज होगा। इसके अलावा बाकी सारे सेल्स के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बन सकते हैं। प्राइमरली हम ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल्स और पेप्टिक सेल्स के खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज को ध्यान में रखें और उसके अनुसार क्या पैथोलॉजिकल आउटकम्स होंगे उसके बारे में हम सोच सकते हैं। HCL कम हुआ तो एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया हुआ, इसका रिस्पॉन्स ये होगा कि HCL को सिक्रीट करने के लिए जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करती हैं, एंट्रम में पाए जाने वाली जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज करती हैं, जिसके इफेक्ट
जिसके प्रभाव में HCL रिलीज होता है। चूंकि HCL कम हो गया है तो जी सेल्स को लगता है कि मैं ज्यादा बनूं, ज्यादा संख्या में बढ़ जाऊं ताकि HCL का बनना शुरू हो जाए। तो इस कोशिश में हाइपरप्लेजिया ऑफ जी सेल्स देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हाइपरप्लेजिया एंड्रोम के रीजन में देखने को मिलेगा उसके कारण जी सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे जो गैस्ट्रिन रिलीज कराते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन्स के प्रभाव में HCL बनता है। इसके अलावा चूंकि ऑक्सेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स डैमेज हो रही हैं, इसी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रल की कमी हो जाएगी, विटामिन B12 कम बनेगा और मेगालोब्लास्टिक चेंजेस, एनीमिया के जो फीचर्स होंगे वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के होंगे। यह न सिर्फ पेराइटल सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं बल्कि चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स के खिलाफ भी यहां पर एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इफेक्ट क्या होगा, ये सारे के सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे और इसी वजह से यहां पर एट्रोफिक रिस्पांस आएगा। तो एट्रोफिक रिस्पांस क्यों आया, क्योंकि जो भी सेल्स है वो सभी के सभी डैमेज हो गए। तो बॉडी और एंट्रम के पार्ट्स यहां पर मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं और चूंकि इसी रीजन में HCL का सिक्रीशन होता है, HCL का सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए एंट्रम के पास में जो जी सेल्स होते हैं उनकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है। आप इस बात को लिंक कर सकते हैं फिजियोलॉजी की बेसिस पर। तो एंट्रम के हिस्से में हाइपरप्लेजिया और बॉडी और एंट्रम के पार्ट में एट्रोफी, ये क्यों हुआ, क्योंकि HCL का अमाउंट कम बनता है। इसके अलावा चीफ सेल्स के डैमेज होने की वजह से पेप्सिनोजन भी कम रिलीज होगा। अब सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहां पर प्रोटीन का डाइजेशन प्रभावित होगा और इस दौरान रप्चर ना होने पाए, ये जो इंटेस्टाइनल एट्रॉफी, स्टमक की एट्रॉफी हुई है उसके कारण वहां पर स्टमक की जो वॉल्स हैं वो रप्चर ना करने पाए, इसलिए बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया करना चाहेगी। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया अपने आप में कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा और इसी वजह से एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में आगे चल करके कार्सिनोमा या फिर लिम्फोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बेसिक आइडिया हमें लगा कि इस दौरान क्या क्या चीजें हुई होंगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। HCL का अमाउंट कम हुआ, HCL के अमाउंट कम होने से जैसा कि मैंने आपको बताया था, फूड के भीतर जो भी टॉक्सिक कंटेंट होंगे या फिर बैक्टीरिया होंगे वो डिटॉक्सिफाई होती हैं। अगर इसका अमाउंट कम हुआ तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाएगा और इसके कारण गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के चांसेस इस वजह से भी बढ़ जाएंगे। तो एक तो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया और दूसरा टॉक्सिन्स का हायर अमाउंट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, उन सभी पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं जो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस या एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड हैं। यहां एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनी, ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल्स के खिलाफ। इसके क्या आउटकम हुए, मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिकॉल करना है, HCL कम बना, हाइपरप्लेजिया ऑफ जी सेल्स हो गए और यहां दूसरा पॉइंट मैंने बताया इंट्रिंसिक फैक्टर कम बना जिसके कारण विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा जिसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, एंटीबॉडीज ने चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स को भी डैमेज कर दिया जिसके कारण पेप्सिनोजन का अमाउंट भी कम हो जाएगा। इस दौरान क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे, चूंकि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, मैंने आपको दिखाया भी था गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्रोफी हो जाएगी और ये बॉडी और फंडस के हिस्से में आमतौर पर देखने को मिलेगा। इस दौरान इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है जो कि आगे चलकर के रिस्क फैक्टर होगा एडिनोकार्सिनोमा के लिए। यहां हाइपरप्लेजिया ऑफ जी सेल्स भी देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक एंट्रम के हिस्से में जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया देखने को मिला और डीप गैस्ट्रिक अल्सरेशन, चूंकि एट्रोफी हुआ इसलिए डीप गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो जाते हैं। ये सारे फीचर्स हम लिंक कर सकते हैं ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस से। अब इसके बाद हम गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के बारे में भी सोच सकते हैं।
ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस का इसके साथ लिंक है। तो चलिए अब तक जितनी भी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एच पायलोरी से एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस को टाइप बी गैस्ट्राइटिस और ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस को टाइप ए गैस्ट्राइटिस कहते हैं। लोकेशन हम लोगों ने देखा, मेनली अफेक्टेड रीजन एंट्रम होता है जबकि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में बॉडी होता है। यहाँ इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स के रूप में न्यूट्रोफिल्स सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगे जबकि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के नंबर ज्यादा होते हैं। एसिड प्रोडक्शन एच पायलोरी में बढ़ा हुआ हो सकता है या स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है जबकि एट्रोफिक या ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में हमेशा कम होता है। मैंने इसको समझाया है, आपको यह अंतर पता होना चाहिए। गैस्ट्रिन का लेवल यहाँ नॉर्मल हो सकता है या घटा हुआ हो सकता है जबकि ऑटो इम्यून या टाइप ए गैस्ट्राइटिस में बढ़ा हुआ होता है। दूसरे लीजन्स के बारे में बात करें तो यहाँ हाइपरप्लास्टिक या इन्फ्लामेटरी पॉलिप्स बन सकते हैं जबकि यहाँ पर न्यूरोएंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया हो सकता है। ये नया इन्फॉर्मेशन है। अब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के दौरान एच पायलोरी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलेंगे जबकि यहाँ पर एंटीबॉडीज अगेंस्ट पेराइटल सेल्स हमें मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ चीफ सेल्स के खिलाफ भी एंटीबॉडीज मिलते हैं। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? पेप्टिक अल्सर या एडिनोकार्सिनोमा होगा जबकि टाइप ए गैस्ट्राइटिस में एट्रोफी, परनीशियस एनीमिया, एडिनोकार्सिनोमा और कार्सिनोइड ट्यूमर बन सकते हैं इसके आउटकम्स के रूप में। चूंकि टाइप ए गैस्ट्राइटिस ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है इसलिए तमाम ऑटोइम्यून डिजीजेस के पेशेंट्स में इसका एसोसिएशन देखा गया है। ऑटोइम्यून डिजीज, डायबिटीज मिलिटस, थायरॉयडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट्स में टाइप ए गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस ज्यादा होते, अपने ही नॉर्मल सेल्स के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा डेवलप होता है। जबकि टाइप बी गैस्ट्राइटिस इंडिया में काफी कॉमन है, वाटर की क्वालिटी बेकार होने की वजह से ऐसा होता है। ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रहने वाले, पॉवर्टी में जीने वाले लोगों के बॉडीज में इस तरीके के टाइप बी गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस अधिकतर मामलों में देखने को मिलता है।